खादी ना पहने तो गुंडा दिखता है, बिना वर्दी के पुलिस वाले से डर ही नहीं लगता। वैसे ही कॉमेडी सर्कस की एंकर शॉर्ट ड्रेस ना पहने तो जोड़ियों का पंच नहीं बनता, इसलिए मैं अपनी यूनिफॉर्म में आई हूँ। हाँ, यूनिफॉर्म चाहे सबके लिए जरूरी हो, पर बिना किसी वर्दी के ये करती है थानेदारी। जितनी कड़क जितनी तगड़ी उतनी ही है प्यारी अर्चना हमारी। और हमारे दूसरे जज के परिवार में तो यूनिफॉर्म क्या, शर्ट पहनना भी पाप है। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर द मस्कुलर गबरू जवान सहेल खान। अब तक आप समझ ही गए होंगे कि आज है हमारा यूनिफॉर्म स्पेशल। हर जोड़ी पहनेगी एक अलग यूनिफॉर्म और दिखाएगी उसके उल्टे सीधे अंदाज। भागते रहो, सॉरी, आई नो वॉचमैन चिल्लाता है जागते रहो, लेकिन जब वॉचमैन हो सुदेश और कृष्णा तो बिल्डिंग वाले ना सोएंगे ना जागेंगे, सिर्फ भागेंगे। तो आपको चैन की नींद से जगाने आ रहे हैं हमारी लीडर जोड़ी सुदेश और कृष्णा। माइंड ब्लोइंग कृष्णा, माइंड ब्लोइंग। क्या किया तुमने कृष्णा, एक बात बताऊं, तुमने जो किया वो ठीक किया, लेकिन कृष्णा पुराना तुम अच्छा करते थे, वो वाली बात नहीं रही। फंटास्टिक फंटास्टिक सोहेल। देखो अगर पिक्चर की बात की जाए तो एक्ट बिल्कुल फ्लॉप था, लेकिन एक्टर कमाल के थे। ये डायलॉग हम कब तक सुनते रहेंगे? 4 साल हो गए हमें ये शो करके। पहले अर्चना जी हमें कहती थी, I want to take you home. अब कहती है, please leave me alone. अरे आप लोग हमारा हौसला बढ़ाएं या ना बढ़ाएं, हम लोग ये नए टैलेंट का हौसला तो बढ़ा रहे। कायरे कायरे सिद्धार्थ जादव, ये बंदर जैसी शक्ल वाले आदमी। अब बंदर जैसी वाली क्यों था? बेसी करता तू बंदर की? कैरी ऑन। ये बंदर जैसी शक्ल वाले आदमी को इन्होंने स्टैंडिंग ओवेशन दे दी। अरे मैं क्या कम हैंडसम हूँ? अरे अगर रोहित शेट्टी ने मुझे अपनी फिल्म में ले लिया तो जरूरी थोड़ी कि मैं हीरो बन गया। आप फिकर मत करिए, मैं हीरो नहीं, मैं वही सड़ा पुराना 2% का कॉमेडियन ही हूँ। जरा सी बात की अर्चना फिर हंस रही, तेरी बात भी हंसती हंसती है। थैंक यू नहीं, तूने बोला ना अपने आप को हीरो, तब हंस रही है। समझता हूँ मैं, आजा पीछे। Shut up! Do you know something about yourself, Mr. Sudesh? You are a stale comedian. You know only 2 characters. Hello, Sarji. Hello, Sarji. What are you laughing, Mr. Surinder? Archana ji, I want to tell you something about Surinder. You know, yesterday Surinder was feeling happy. Then you know what happened? Happy slapped him. My son reading the newspaper, I shall read out this evening. Dekha? देखा, हम कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं इंग्लिश में, ये लोग फिर भी नहीं हंसते रहे। अरे अगर आप लोगों को इंग्लिश नहीं आती तो इसमें हमारी क्या गलती है? मैंने पहले ही कहा था कम से कम SSC पास जज लाओ। तू क्यों नहीं हंस रही बे? तू काय को नहीं हंस रही है? बोले। मालूम है अर्चना जी क्यों नहीं हंस रही? मुंह में गुटखा दबा कर बैठी। मेरे को सब मालूम है, इन लोगों की साजिश है ये। ये लोग पता है क्या करते हैं, कपिल का एक्ट एंड में रख देते हैं, तब तक इनका गुटका उटका खा के खत्म हो जाता है, फिर ये हंसते हैं ताली बजाते हैं। माइंड ब्लोइंग, तुम लोग कुछ इम्प्रोवाइज क्यों नहीं करते? आप 4 साल से जज की सीट पे हैं, आपने कभी इम्प्रोवाइज किया? नहीं। कभी 10 की जगह हमें 11 दिए? अरे इनके बारे में बताऊं, कुछ नहीं, नीचे पड़ा होता है बस, उठा के नंबर दिखा देती है। एक बार तो नीचे पिज्जा मिल गया था, वो दिखा रही थी। हमारा क्या है यार, हम तो कभी कभी 9-9-9-9 नंबर तो ले ही लेते हैं। 6-6 की जजमेंट करती हैं आप।
और आपकी तो बात ही नहीं करनी। आज सुदेश मेरे को इतनी फ्रस्ट्रेशन हो रही है। सुदेश जी मेरा मन कर रहा है मैं सब कुछ बोल दूं। मैं नहीं, मुझे मत रुकिए, मैं आज सब कुछ बोल देना चाहता हूं। मुझे टाइम देखने 20 मिनट से साले अकेला ही बोले जा रहा है। सुन मेरी बात, कॉमेडी सर्कस के बारे में एक भी शब्द कर रहा हूं। हमें जो कुछ भी मिला है कॉमेडी सर्कस से मिला है। 4 सालों से हमने जो मेहनत की है हम जो बनना चाहते थे बन चुके हैं। सही बात। अरे बाबा, साला कच्चा तो इसके अंदर था, मैं क्या रुमाल बांध के आ गया हूं। अच्छा एक बात बता यार। हाँ बोल। ये वॉचमैन कैसे बना? मेरे को मालूम है, मैं भी बंबई में कुछ साल पहले एक सपना लेकर आया था, फिर साली सपना किसी के साथ भाग गई। मैंने भी सोचा था इधर आके मैं एक दिन बहुत बड़ा भिखारी बनूंगा, लेकिन क्या भिखारी के लाइन में कंपटीशन बहुत है। यहाँ तक कि मैंने अर्चना को भी मंदिर के बाहर 2-4 बार देखा है अभीक देते हुए। यार एक बार मैंने भी देखा था, ये गाड़ी में जा रही थी। हाँ। इनके पीछे काफी भिखारी भाग रहे थे ऐसे ऐसे करके। अरे वो तो इसलिए क्योंकि जाली नोट देकर निकल जाती है ये। और मैडम जाली नोट दो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 73 रुपए का नोट काहे को दिया आपने? और मैं बोलता हूँ चलो 73 भी दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। बेचारे भिखारी लोग का कंबल छीन के भाग जाती है। देख भैया अपनी अपनी कहानी होती है। हाँ। मैं बनना चाहता डीसी डीएसपी इंस्पेक्टर कुछ भी बन सकता, मेरे पास इतनी डिग्रियां पड़ी हुई। अच्छा, अरे फिर बनने का था ना तू भी ना। वो कहते अपनी डिग्रियां लाओ। अपनी कहां से लाएं यार। लेकिन फिर भी मैं जो चाहता था, आज देख कितनी कितनी बड़ी बिल्डिंगों के नीचे बैठे हैं, कोई कमी थोड़ी है। एक सच्ची बताओ, एक बात बताओ, हम पर ना जो काम है ना ये साला बहुत बोरिंग काम है, लगते नहीं तेरे को? साला नहीं, मैं नहीं बोर होता अभी, मैं तो फ्री टाइम कॉमेडी सर्कस देखता हूँ। अच्छा वो जो कॉमेडी सर्कस शो आता है। हाँ। मजेदार शो है वो। बहुत, मैं दो बंदों का तो बहुत बड़ा फैन हूँ। कौन कौन? एक सुदेश। हाँ। और दूसरा लहरी। और उसके साथ जो आता है वो ड्राइवरों को मुंह नहीं लगाता। अच्छा मेरे को भी कॉमेडी सर्कस बहुत पसंद है। हाँ तेरे को कौन पसंद है? मेरे को दो लोग बहुत घटिया लगते हैं। कौन? एक सुदेश। हाँ। और दूसरा लहरी। तो उसके जो साथ आता है वो ड्राइवर तो उसको बहुत मारता है। वो एक बात बता, ये बहुत लंबी बिल्डिंग जो है, ये लंबी बिल्डिंग में इधर कौन कौन रहता है? इधर कॉमेडी सर्कल के सारे सेलिब्रिटी रहते हैं इसमें। अच्छा। हाँ। कौन कौन? नीचे ग्राउंड फ्लोर में तो राइटर रहते हैं। अच्छा। हाँ, सबने दबाया हुआ है उनको। और ये 5वें माले पे सुदेश लहरी रहता है। अच्छा अच्छा। हाँ। और 10वें माले पे कपिल। अच्छा, कपिल ने 10वें माले पे ले लिया। सुदेश से ऊपर पहुंच गया ना साला आज तक। और एक बात बता, ये कृष्णा किधर रहता है? अरे कृष्णा इन फ्लैटों में थोड़ी रहेगा, वो तो बंगले में रहता है गोविंदा जी के। एक बात बताओ। हाँ। ये फ्लैट का रेट कितना है इधर? देखो पहले तो 2 करोड़ का मिलता था, अभी अब 70,000 का। इतना सस्ता बंबई में? अर्चना जी भी आजकल इधर रहती है अंदर। रेट गिर गया। अरे अर्चना पूरन सिंह का तो बहुत लफड़ा हो गया था इधर। क्या हुआ? चोरी करने आई थी हमारी बिल्डिंग में। हाँ, अब मैं सिक्योरिटी गार्ड था, चोरी कैसे होती है? चुपचाप वापस अपने घोड़े पे बैठ के निकल गई। वो तो अगले दिन मेरे को पता चला पैदल आई थी, घोड़ा चुरा कर निकल गई थी। अभी तू सिक्योरिटी गार्ड कर इधर ना। हाँ, मैं चलता हूँ। हेलो। हाँ भाई डीएसपी कैसा है यार? हाँ मैं मिस्टर वॉचमैन। क्या समुद्री इलाके से एक आतंकवादी इधर घुस आया? यार समंदर का गेट क्यों नहीं बंद करते तुम? अब पागल है तू? मैं फोन पे बात कर रहा हूँ, गोलियों के म्यूजिक दे रहा है, चुप। हेलो। और नहीं यार वो फेरी वाला खिलौने बेच रहा है, मैं बाद में करता हूँ। तुम्हें पता है इधर जुर्माना लगता है फेरी वालों का आना मना? चल 20 रुपए निकाल। साला मजाक करता है हमारे साथ, देखता नहीं है क्या आतंकवादी है?
चल 10 रुपए दे यार फिर दे निकाल ना 10 रुपए निकाले हम निकालो अभी निकलते ये होते हैं इनके साथ ऐसे ही रहना चाहिए नहीं तो ये अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं मैं तो हाँ जी मेरे को बताया नहीं आपने मैं बीच में लेने आया था आपको और सफर कैसा रहा हम क्या तेरी बुआ का लड़का है जो हमसे पूछ रहा है सफर कैसा रहेगा चल मरने को तैयार हो जाओ इनको मार दो तैयार है अब बुलाओ कपिल को आके बचा ले इसको हर वक्त बचाती सर जी इनको ना मारना इसको नहीं मारने का नहीं काय को सर जी हम बेड़ा गर्क भी कर देना स्टेज पे कुछ नहीं कहते इनको पता नहीं चलता हम किसी को नहीं छोड़ेगा हम सबको मार दे इधर आजा मेरा क्लोजअप आने इनको मारने से पहले मुझे मार अगर हिम्मत है तो मुझे मार साले मार नहीं 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 मैं देखना हिम्मत है हम मार दे मार मार मेरे को क्या और सुन ये जो तू काम कर रहा है ना लोगों को मारने का तुम्हें पता नहीं ये रास्ता सीधा जेल की काल कोठरी पर जाता है उधर ही तो जाने कहीं हमको क्योंकि उधर बियर मिलता है विस्की मिलता है चिकन तंदूरी मिलता है एक मिनट जो फांसी मिलता है वो किसने बोला तेरे को फांसी मिलता है 3 साल से हमारा भाई जेल में कोई फांसी वासी नहीं मिलता है मालूम है फांसी का टाइम सुबह 5 बजे का होता है और वो उठता है सुबह 9 बजे यार मुझे ये बताओ कि ये क्यों करते हो यार तुम आतंकवादी क्यों बने अच्छी नहीं सी चगल सनी देओल जैसी क्यों आतंकवादी बने तुम हम पैसे के लिए आतंकवादी बना हमारा मुल्क वाला हमको बोला कि जाके आतंक फैलाओ हम तुम्हारे परिवार को 4 लाख रुपया देगा 4 लाख रुपए के लिए तुम आतंक फैला रहे हो बुरा लग रहा है तुमको हाँ? इधर 2-2 लाख रुपया लेकर अंकिता लोखंडे रायता फैलाता है रोज स्टेज के ऊपर उसका कुछ नहीं लेकिन सच्ची एक बात बताऊं हम आतंकवादी कभी नहीं बनना चाहता था हम उनको बोला हमको आतंकवादी नहीं बनने का है वो बोला बनो 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 अब क्रिएटिव टीम जो बोला वो करना पड़ता है ना पैसे के लिए तुमको पता है हमारा भाई जो जेल में उसके अंदर उसके लिए जितना सिक्योरिटी है उतना सिक्योरिटी तुम्हारा पीएम के पास भी नहीं है हम तो बोलता है वो सिक्योरिटी हमारी जनता के लिए लगाओ तो एक दिन इंडिया सोने की चिड़िया जरूर बन जाएगा वाह मेरे दोस्त आज तुमने मेरी भी आंखें खोल दी सबकी आंखें खोल दी लेकिन मैं जानता हूं जो उसने लिख दिया होता वही है जो लिख के दिया राइटरों ने हमने बोल दिया अब आप स्टैंडिंग विशन दे दो नहीं तो फिर 10 नंबर पे गुजारा कर लेंगे सुहेल सीधा आपके पास आने क्या कहेंगे आप इनके एक्ट के बारे में स्टैंड अप कॉमेडियन जिसे कहते हैं ये दोनों है You guys on stage are fire, or I can't talk about any individual on this particular performance. I think it's a team that has worked. Fantastic. Archana, इन्होंने जो कुछ कहा, जितनी भड़ास निकाली, अब आपकी बारी है. इस act की unique quality ये थी कि it was something new, and I'm so happy. So happy that you tried something new once again, जिसके लिए आप हमेशा से जाने जाते थे आपने कितने नए ट्रेंड शुरू किए हैं कॉमेडी सर्कस पर कई ऐसी चीज़ें हैं अगर हिस्टोरिकली अगर आप देखो तो कृष्णा और सुदेश ने उनकी इन्वेंशन की है एंड वंस अगेन यू गिवन अ समथिंग जो इतना नया है आई वॉन्ट से द एक्ट वॉज ब्रिलियंट बट बोथ ऑफ यू एंड द राइटिंग और जो आपने उन्हें अचीव किया उसके लिए चलिए सतीश जी आपकी इस बिल्डिंग में क्या इनको भी एक फ्लैट मिल जाएगा सुहेल जी को मिलेगा कि नहीं मिलेगा अरे क्यों नहीं मिलेगा कितना देंगे आप रेंट उस फ्लैट के लिए सुहेल जी नाइन पॉइंट अर्चना कौन से माले पर रहती हूँ मैं 10वें माले अरे 12 बोल दिया होता यार चलो कोई बात पुलिस एम्बुलेंस फायर ब्रिगेड कभी टाइम पर नहीं आते और हमारे कॉमेडी सर्कस के चेक्स का तो आप पूछिए ही मत लेकिन एक चीज है
जो हमेशा टाइम पर आता है, पिज्जा। पर इस पिज्जा को सिर्फ 20 मिनट में डिलीवर करने में क्या क्या मुश्किलें आती हैं, ये दिखाने आ रहे हैं कृष्णा सुदेश की टीम से, अथर एज पिज्जा डिलीवरी बॉय एंड प्रिया एज वेरियस कैरेक्टर। एक मिनट उठाता हूँ भाई। हेलो, गुड मॉर्निंग पिज्जा भट्ट। गुड नाइट। हैं मैडम, सुबह के 11 बजे हैं। ओह, इट्स 11 AM। हाँ, आई थॉट इट्स स्टिल PM। मैडम आपकी आवाज बड़ी सक्सी है, कहीं आपने शिलाजीत के परांठे तो नहीं खा लिए? खैर आपको बता दूं कि यहाँ सिर्फ पिज्जे मिलते हैं। ओह, तो अभी बस वही ले आओ। वैसे तुम वही हो ना जो टाइम पर ना पहुंचो तो फ्री देते हो? मैडम सिर्फ पिज्जा फ्री देते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। वैसे अगर 20 मिनट में पिज्जा बन जाए तो ठीक है, वरना तुम खुद आ जाना। I'm hungry. एक मिनट, मैडम मैडम मैडम, आपका नाम क्या है? Your name please. कामिनी शर्मा। हाय। कामिनी शर्मा, कितना हॉट नाम था ना सुहेल जी। कसम से फोन के ऊपर ऐसे पिज्जा रख दूँ ना तो भी भूल जाएगा। खैर मैं निकलता हूँ, कहीं लेट ना हो जाऊँ, लेट ना हो जाऊँ, कहीं लेट ना हो जाऊँ, लेट ना हो जाऊँ। हाँ हाय, माता जी पाए लागू। बड़ा नटखट है, सीधे पैरों से शुरू करेगा। आजा। अच्छा वो कामनी आपकी पोती? अरे उसका चार्ड पहले कम इन ने। अरे वो एक मिनट, ये पिज्जा आपने ऑर्डर किया है? पिज्जा? हाँ। तेरे जैसे चिकने लड़के आएंगे ना तो रोज रोज पिज्जा ऑर्डर कराऊंगी। माँ जी आप ये अपना पिज्जा पकड़ो, मैं चलता हूँ। अबे ऐसे कैसे जाएगा? 250 रुपए बस पिज्जा के थोड़ी दिए हैं मैंने। आजा। ये बुड्ढी तो मुझे घर की लग रही है, छोड़। अबे घर की नहीं, घर की बुड्ढी हो। देख तू मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकता। क्यों? देख मुझे कुछ कुछ होता है। अरे 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 माई, जितनी तेरी उम्र है ना, कुछ कुछ तो क्या, तेरे को तो बहुत कुछ होना चाहिए। बीवी, बीपी, अस्थमा सब होना चाहिए तेरे को तो। अबे है ना, प्रेम रोग है पगले, प्रेम रोग भी तो रोग ही होता है ना। बुड्ढी तू पीछे हट जा वरना बहुत मार खाएगी, चमाट पड़ेंगे। ए, तू मुझे टच करके तो दिखा। हाँ। चैलेंज कर रही है। हाँ। ये लगा दिया। ओ, करता रहे बस, बड़ा मजा आ रहा है। अरे छोड़, ज्यादा बकबकी ना तो उठा के साइड पे कर दूंगा। अरे तू पहले उठा तो ले, उठा तो ले, साइड पर तो मैं खुद ले जाऊंगी। आजा। साइड पे ले जाएगी? हाँ। ये देखो कमजोर सी बुड्ढी है, चला जा नहीं रहा, साइड पे ले जाके क्या कर लेगी। ए, मुझे अंडर एस्टिमेट मत कर, साइड पर ले जाके अच्छे अच्छे लड़के तोड़ दिए हैं मैंने। हाँ। ओ भगवान, अब मैं क्या करूं? अरे करना क्या है, ये जो पिज्जा है थोड़ा सा चटवा दे। पिज्जा चटवा दे? दांत नहीं है ना तो इसलिए चाट के मजे लेती हूँ। देख तो मुझे हल्का मत समझ, आज भी अपना पल्लू यू स्टंट मार के घुमाओ ना, रजनी कांत से कम नहीं लगती। हाँ। देख अभी जो पिज्जा लाया है ना जरा सा चटवा दे, नहीं तो हवालात में थोड़ा सा पल्लू गिरा के तुझे कर दूंगी बिजी। देखो देखो माँ जी, मैं तो सिर्फ यहाँ पिज्जे की डिलीवरी करने आया था। बच्चे डिलीवर करने की उम्र में अच्छा, मुझे माफ करने का क्या लेगी मेरी माँ? बस एक चुम्मी दे दे। अच्छा अगर मैंने चुम्मी दे दी तो मुझे छोड़ दोगी?
अब वो तो चुम्मी की टाइप पर डिपेंड करता है ना बेटा। सुहेल जी, ये कैसी बुड्ढी है, हैं? क्या काम करती है तू? अबे तू मुझे नहीं जानता? कॉमेडी सर्कस के सेट पर जज बनती हूँ। अरे तूने मुझे पहचाना नहीं? मैं अर्चना, मेकअप किया है ना, तभी ऐसी लग रही हूँ। मतलब तुम कामली नहीं हो? अरे मैं तो डर गया था जज का नाम सुन के। कामली नहीं हो तुम? मैंने कब कहा कि मैं कामली नहीं हूँ? कामली तो 35वें माले पर रहती है। देखो देखो अम्मा जी, मेरे पास सिर्फ 5 मिनट है, मेरा पिज्जा ठंडा हो रहा है, मुझे जाने तो कसम से। अबे 35वें माले पर पहुंचते पहुंचते तो तू भी ठंडा हो जाएगा, लिफ्ट बंद है ना। मुझे बचा लो, मुझे जाने दो। अबे काम, मुझे जाने दो। अबे कहां जाने दूं तुझे, ऐसे ऐसे कैसे जाने दूं तुझे? पहले सोहेल से नंबर तो मांग ले, क्योंकि जो एक्ट मैं करी हूँ अर्चना तो गालियों से कम कुछ देगी नहीं। तो सोहेल जी, आपसे ही शुरुआत करेंगे, कैसे लगा आपको ये एक्ट? सबरे चातर, जो आपने जो फर्स्ट हाफ में जो आप एंथुसियास्टिक थे, सेकंड हाफ में आप डरे हुए थे, यू नो यू हैड टू शेड्स इन दिस एक्ट व्हिच इज फैबुलस। And I thought you were fabulous as a turkey buddy. But as a team, you guys are superb. चलिए, well done, अर्चना। बहुत किस्म की कॉमेडीज होती हैं, लेकिन एक बेस ह्यूमर में होना चाहिए। इसका बेस वीक था, क्योंकि वह सिर्फ एक बुनियाद पर डिपेंड कर रहा था कि एक टर्की बुड्ढी है और एक यंग नौजवान लड़का है। उसके आगे ये एक्ट जा नहीं सका, बट योर परफॉर्मेंस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग। वीक एक्ट होने के बावजूद आप दोनों ने हमको, यू नो, यू केप्ट आवर इंटरेस्ट अप। वेरी वेल डन। ओके, लेट्स सी कि आपको हमारे जजेस क्या देते हैं। सुहेल, कितने नंबर देंगे आप इन्हें? 8 points। अर्चना, 7 points। बच्चे मन के सच्चे होते हैं, लेकिन ये बच्चा है थोड़ा लुच्चा, थोड़ा टुच्चा, शरारतों का गुच्छा। टीचर अंकिता की नाक में दम कर दिया है उनके स्टूडेंट कपिल ने। अब वो उसे मुर्गा बनाती है या खुद क्लास छोड़ के भाग जाती है, चलिए देखते हैं। प्लीज वेलकम आवर लीडर चोरी, अंकिता एज टीचर एंड कपिल एज वेरियस कैरेक्टर्स। छोटा बच्चा जान के ना कोई गाली देना रे, तेरी माँ की टुक टुक, तेरी माँ की टुक टुक। ओए अंकिता मैडम, प्लस मैथ वाला गंजा सर। मैडम कैसी हैं आप? ठीक हो? आपको बताया, मैं रोज टाइम पे स्कूल आ जाता हूँ, लेकिन मेरी टीचर कभी टाइम पे नहीं आती है। वैसे टाइम पे आ जाती है तो ये ना मैथ वाला गंजा सर उसके रूम में बैठ के सवाल निकालती रहती है। तो सोहेल अंकल, आपको बताया, मेरे पापा चाहते हैं मैं ना बड़ा होकर डॉक्टर बनूं। साला मतलब ही है, उसको पत्थरी है, वो सोचता है बड़ा होकर मुफ्त में ऑपरेशन करूंगा। पर ना, मेरे को नहीं बनना, मेरे को बड़ा होकर मेकअप मैन बनना है। मेरे को अच्छा लगता है लड़कियों को टच करना। मैं ना देखने में बच्चा लगता हूँ, अंदर से मैं पूरा मर्द हूँ। आप ही तो थोड़ी देर बाद यही करोगे मेरे साथ। बेटा, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें दिल से मुर्गा बनाती हूँ? नहीं बनाती हो दिल से? दिल से बनाओ तो मैं टेस्टी ना बनूं। इतनी बार मुर्गा बना चुकी ना मेरे को, अब तो मैं ग्रेवी वाला भी बन जाता हूँ, चिल्ली वाला भी बन जाता हूँ। लेकिन मैडम, आज मेरे को मुर्गा मत बनाना। क्यों? अर्चना आंटी आई है, कहीं भी मुर्गा देख ले खा लेती है। अपनी बकवास बंद करो, ये बताओ अपनी फीस लेकर आए? नो। क्यों नहीं लेकर आए?
मेरे पापा का ऑपरेशन था मैडम. ऑपरेशन? मेरे पापा प्रेग्नेंट थे. नहीं प्रेग्नेंट सॉरी, खांसी थी उनको. अपनी बकवास बंद करो. ये बताओ क्यों नहीं लाए फीस? अगर अगली बार नहीं लेकर आए ना तो तुम्हें इस क्लासरूम में नहीं आने दूंगी, समझे? ओके. अच्छा चलो बताओ, होमवर्क किया? नो. क्यों नहीं किया? कैसे करता है, इतना मुश्किल होमवर्क दे दिया, मैं कैसे करता? अरे लेकिन कल तो तुम करके आए थे. कल तो करिए था, कल तो विक्की भैया फ्री. क्या कहा तुमने, क्या कहा तुमने? कल तुमने अपने नेबर से होमवर्क कराया था, शर्म नहीं आती? शर्म क्या आएगी, वो कौन सा नंगा होके मेरा होमवर्क कर रहे थे. चुप रहो. चलो बताओ, cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल्स टू कितना होता है? देखो नंबर जोड़े जाते, स्पेलिंग थोड़ी ना जोड़े जाते. cos थीटा के मतलब हुआ. बहुत अच्छा बहाना बना रहे हो, अगर आंसर नहीं आता तो ऐसे ही साफ साफ कह दो. तेरे को किस प्रोडक्शन वाले ने दे दी ये, उतार फेंक इसको. चलो बताओ एक और सवाल पूछ. क्या? एक आदमी के पास 8 आम है. 8 आम? हाँ 8 आम. उस आम में से अगर 2 आम सड़ जाते तो कितने बचे? कोई भी. कैसे? देखो मैडम, जिसके 2 आम सड़ गए उसको लगेगा कि बाकी ना सड़ जाएं, जल्दी जल्दी खा लो. अपनी बकवास बंद करो. आजकल तुम बहुत बदतमीज होते जा रहे हो. तुम्हें इतनी सजा देती हूँ, इतनी सजा देती हूँ, लेकिन फिर भी तुम ठीक ही नहीं होते. आज ऐसी सजा दूंगी ना. मैं क्या सजा दूं? क्या मैं बताऊं? मेरे को इस लड़की के साथ बाथरूम में बंद कर दो. ज्यादा मत बोलो, समझे? एक आखिरी मौका और देती हूँ. क्या? चलो एक और सवाल पूछती हूँ. बल्ब का आविष्कार किसने किया था? सूर्य वालों ने. उनके बल्ब सबसे अच्छे होते हैं. सूर्य वालों के. गलत जवाब. तीसरा मौका देती. देखो मैडम, इतने गलत जवाब दो तो अमिताभ बच्चन निकाल देता है कौन बड़े करोड़पति से. अब मेरे को स्कूल से क्यों नहीं निकाल देती? ज्यादा मत बोलो, समझे? जितना पूछती उस चीज का जवाब दो. चलो बताओ कि क्या बताओ? कुछ बताओ. मेरे को क्या सिखाएगी? उधर मुंह करके बोल, इधर कैमरा नहीं लगा हुआ, इधर देख. चलो बताओ, मैंने तुम्हें गिनती याद करने को कहा था, तुमने गिनती याद की बेटा? हाँ. बोल के बताओ. ऐसे ट्यून में याद है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. इसके आगे 7 8 9 10 10 10. इसके दस, आगे बस. गुलाम बेगम बादशाह. शट अप. ये किसने सिखाया तुमको? मेरे पापा ने. पापा ने ना? तो जाओ अपने पापा को लेकर आओ. जाओ पापा. अर्चना जी आप देखिए ना, ये बच्चे आजकल के बच्चे कैसे हो गए, इतने बदतमीज. चुप कर तू. भाई तू क्या बताएगी बच्चों के बारे में? 2 दिन रुक जा, तेरे को सोनी चैनल वाले बताएंगे. बड़ी आई बच्चों के बारे में बताने वाली. इतना स्लो बोलती है, इतना स्लो बोलती है. तब तक तो बच्चा भी बड़ा होके अपना खुद का बच्चा पैदा कर ले. पिछले एक्ट में बुढ़िया बनी थी, मेरे को लगा शायद इसलिए एनर्जी कम है. तेरा तो बेड़ा ही करके. तेरे को तो शक्तिमान भी बना दो, उसको भी मरवाएगी तू. अबे चुप रे. पापा, मेरे को मैडम ने मारा. पापा क्या? अभी तेरी मैडम की माँ बहने करता हूँ जाके मैं. इन्हीं लोगों ने तेरे को बजाने की बड़ी जल्दी, मेरे को डायलॉग बोलना था. इन्हीं लोगों ने मेरे बच्चे पे हाथ उठा. तुमने मेरे बच्चे पे हाथ उठाया? आप हिम्मत है तो मेरे पे उठा, उतारूंगा कुर्ता में. हैं आपकी तारीफ. वो तो तारीफ तो मेरी करेंगे एक्ट के बाद. तू भी ऐसा कुछ किया कर, तेरी भी करें, मारूंगा मैं. आप कौन है, किससे काम है आपको? अरे मेरे को चिंटू की मैडम से मिलना है. चिंटू की मैडम? चिंटू या चिंटू, मेरा बेटा छोटा छोटा वाला जो है चिन वन, उसका बड़ा वाला चिंटू. पिल्ले जैसे दिखने वाला प्यारा सा बच्चा ना. अच्छा वो बदतमीज सा बच्चा? क्या बदतमीज बच्चा रे. उसने कौन सा तेरा नंबर बाथरूम में लिख दिया है? Exactly, उसने यही किया. अगर आपको पता नहीं. अच्छा बाबा, उसने कौन सा सही नंबर लिखा ना, गलत ही लिखा ना? कि तुम्हें कैसे पता? अच्छा मैंने खुद 3 बार मिलाया, मिला नहीं. अब सुन मेरी बात, मेरे बच्चे के हाथ क्यों उड़ाती तू? तेरे को पता है मेरे बच्चे को ये प्रॉब्लम नहीं है कि तू उस पे हाथ उड़ाती है, लेकिन जब तू हाथ उड़ाती है ना यूं करके, यही वाला फ्लेवर आता है तेरे से. इतने अच्छे कपड़े पहनती, नहा के बहना कर तू. हेलो, मैं रोज नहाती हूँ, समझे? इसके साथ? अरे बाबा मेरा मतलब है, अरे बाबा मेरा कहने का मतलब लक्ष के साथ के रख, सोना के साथ. मेरे बच्चे को क्यों हाथ क्यों उठाया था बता? तुम्हारे बच्चे को एक सवाल का जवाब नहीं आता. एक का नहीं आता, बाकी के तो आते, फिर क्यों मारा? मेरा मतलब ये है
एक दिन मैंने उससे पूछा कि ताजमहल किसने बनाया, तो उसे पता ही नहीं था ये कैसा बच्चा है। बाबा बच्चा है, उसको क्या पता ताजमहल का, अभी तो भी तो पैदा है, कैसे पता होगा ताजमहल, मैं तेरे को बताती ना। ताजमहल किसने बनाया? ताजमहल बनाया था अपना उसने शाह विपुल शाह ने। विपुल शाह? हाँ, विपुल शाह ने बनाया होगा ना। ये विपुल शाह कौन है? और एक सेकंड, ताजमहल शाहजहां ने बनाया, शाह? अबे देख, मेरे को जो पैसे देता मैं उसको हिट करूं, शाहजहां से मेरे को क्या लेना देना है। अमरूद, तेरे को बीच की बात का नहीं पता है, शाहजहां ने खाली चेक काट के दिया था, बनाया मजदूरों ने था। क्या स्टाइल मारा मैंने। मैं समझ गई कि तुम्हारा बेटा एकदम तुम पर गया है। क्या मेरे पे गया? उसकी भी छाती पे बाल देख लिए तूने? क्या दिख रहा है? मेरा मतलब ये है कि जैसा बाप वैसा बेटा। एक क्या वैसे बेटा? मेरी नॉलेज तू जानती नहीं, अभी तू मेरे को जानती नहीं है। अच्छा, बड़ी नॉलेज है तुम्हें। हाँ बता, तो क्या किस बात की नॉलेज नहीं है? तो बताओ कि पांडव कौन थे? पांडव? अरे बाबा, मेरे को, मैं अभी अलिफ लैला नहीं देखता, मेरे को क्या पता। अलिफ लैला में पांडव नहीं थे, महाभारत में थे। तो मेरा क्या कसूर जाके रामानंद सागर पे चिल्लाना जाके? सबका एक तरीके का कॉस्ट्यूम बनाते थे, सबकी एक जैसे मुकुट, सबकी वो धारी वाली ड्रेस, वो धोती। अभी नहीं पता चलता बाबा, सबके घोड़े भी एक जैसे आते, टुकड़े टुकड़े। कम से कम उसमें वेरिएशन चाहिए। हाँ यही वाला। तो क्या बजाया तेरे पुता? तू कर ले अपना खीड़ा पूरा बजा के, जो तेरे को करना है। अभी सबके घोड़े आते टुकड़े टुकड़े, थोड़ा वेरिएशन रखना चाहिए बाबा। एक का घोड़ा टुकड़े टुकड़े आए, एक का ठुसुक ठुसुक, एक का फिसिक फिसिक, तो मजा आता ना मेरा, पता चलता है। एक सेकंड, क्या है? तुमने अपने बच्चे की रिपोर्ट कार्ड देखा? इंग्लिश में 8, हिस्ट्री में 7, मैथ्स में 8, टोटल में 28। टोटल में 28, जिस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा वो लास्ट में बोल रही है। तो बाबा तू इसको इंग्लिश मैथ क्यों पढ़ाती? टोटल पढ़ाया करना, टोटल में दिमाग ज्यादा चलता है। तो बड़ा होकर मेरा बच्चा, बड़ा होकर मैं अपने बच्चे को टोटल बनाऊंगा, टोटल IAS। हां, तुम्हें एक चीज पता है क्या? मैं जब भी क्लास में आती हूं तुम्हारा बच्चा सो जाता है। एक बच्चा सो जाता है तो उसके लिए मारती, तू जब आती 200 लोग सो जाते, कभी नोट किया तुमने? तुम्हारा बच्चा यहाँ नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? पता है तुम्हारा बच्चा कितना डर्टी है, कितना गंदा है, उसके नील्स है कि क्या नील्स उसके, क्या तेरे मुंह में डाल के काटता है, क्या लगे? बच्चे को मैं स्कूल भेजता हूँ, ब्यूटी पार्लर थोड़ी ना, क्या जमाना आ गया। बच्चे को स्कूल भेजने से पहले मैनीक्योर पेडीक्योर कराया, क्या करवाया इसका? तुमने अपने बच्चे के शूज देखे? हमेशा लेस खुले, ऐसे कैसे? अच्छा, बच्चे का एक लेस खुला तो संभाल रही, अभी बिपाशा आती है या जो भी आता है, मल्लिका आती है, अपने ब्लाउज के सारे लेसेस खोलती, पब्लिक तालियां पीटती है। मेरे बच्चे का एक लेसेस खुल गया तो मेरा बच्चा पीट दिया, ऐसे कैसे? व्हाट इज द व्हाट डिफरेंस बिटवीन द सोशल स्टडी एंड द साइंस, व्हाटएवर यू डू डोंट थिंक सो। हाँ, बच्चे को मारना ही पड़ेगा मुझे। काहे को मारना पड़ेगा? क्योंकि तुम्हारा बच्चा बहुत छुट्टी मारता है, वो कभी रेगुलर स्कूल में आता ही नहीं है, ऐसे कैसे बच्चा छुट्टी मार सकता है? अरे बाबा, रेगुलर मैंने इसको मना किया, रेगुलर नहीं जाने का, किसी भी जगह रोज रोज जाओ इज्जत कम होती है, एक दिन छोड़ के जाने का, ऐसे नहीं जाते। देखो, तुम इज्जत की बात तो करना ही मत। क्या है? तुम्हारा बच्चा इतना बदतमीज है, उसे पता ही नहीं कि टीचर की इज्जत किस तरह की जाती है। बहुत ही शरारती है तुम्हारा बच्चा। तो बाबा, बच्चे शरारती हो, बच्चा पैदा होते अन्ना हजारे निकले, कैसे होएगा ये? बच्चे को शरारती होते नहीं होगा। एक सेकंड, तुम्हारा बच्चा है, मैं जब भी उसे कोई सवाल करती हूँ बड़ी अजीब अजीब से जवाब देता है, पता नहीं कहां से लाता है। तो बाबा, अच्छी बात है ना, जवाब देता तो। आजकल के तो बच्चे ऐसे पैदा हो रहे, इतना एटीट्यूड है बच्चों में। कल मेरी बुआ के यहाँ बेटा पैदा हुआ, एक ही दिन का बच्चा है, मैंने पूछा हेलो बेटा हाउ आर यू, बोले कुछ नहीं, इतना एटीट्यूड। देखो, मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहती, तो मेरे मुंह लग भी मत, तेरी क्लास में 40 बच्चे, सबके बाप के मुंह लगे कि प्रिंसिपल बने ना बने मम्मी बन जाएगी। क्या? जाओ और अपनी बीवी को भेजो, जाओ यहाँ से। She is wonderful, she is no more. क्या? अरे वो मर गई ना वो। This is so sad. नहीं, suicide नहीं, hepatitis B हुआ था, पी लिया मैं दारू, पी ली थी उसने। तो फिर तुम्हारे चिंटू को किसने बड़ा किया? उसको तो उसकी माँ ने बड़ा किया ना बाबा। लेकिन अभी तुमने कहा कि तुम्हारी बीवी मर चुकी है। तो बीवी मरी ना, उसकी माँ तो जिंदा है बाबा। देख तू, अभी मैथमेटिक्स की तरह कॉम्प्लिकेटेड हो गया सवाल। अभी ये सवाल मैथमेटिक्स की तरह हो गया। मेरा मैथमेटिक्स शुरू से ऑलवेज द वीकेस्ट सब्जेक्ट, सो फनी लाइक आई फॉर व्हाट आई डोंट नो। या देखो, आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मैंने आपको यहाँ बुलाया। अरे बाबा, आपने कहाँ बोला, मैं तो न्यूज देख रहा था, वहाँ पे आ रहा था, मार्केट गिर रही है, मैंने कहा जल्दी जल्दी जाके 3 किलो लौकी ले आऊं, कल को महंगी ना हो जाए। हेलो, क्या चिंटू? हाँ, तेरी मैडम के पास ही खड़ा हूँ। क्या तेरे को मार रही है? अरे बाबा नहीं मार रही, मेरे साथ ही तो खड़ी है। कौन से स्कूल में? सुरभि मॉडल? मैं तो अंकिता मॉडल आ गया ना बाबा, इधर आया कर, ये अच्छी वाली है। एक सेकंड, चल तो फोन रख, मैं देखता हूँ। ए हेलो, आई वांट टू से यू समथिंग। हाँ, इट्स सिमिलर लाइक, सॉरी, एक्चुअली
मेरा बेबी दूसरे स्कूल में पढ़ता था, मैं गलती से इधर आ गया। सॉरी बोलना मैंने। तुमने मेरा इतना टाइम वेस्ट कर दिया, मुझे पका डाला बिल्कुल। तुमने पकाया, तू पका रही थी लोगों को, मैंने उल्टा आके एंटरटेन कराया। कराया कि नहीं कराया? एंटरटेन कराया कि नहीं कराया बाबा? अब तेरे को अपनी ईमानदारी से जो ठीक लगे समझ के दे दे। देख हम लोग को मांगने की आदत तो है नहीं, छोटी बहन समझ के दे दे। अर्चना जी इन्हें पास करेंगी या फेल? ओनली फॉर यू कपिल। अरे थैंक यू। इस एक्ट में उतना दम नहीं था जितना कपिल तुम्हारे कैरेक्टराइजेशन में था। कॉमेडी कई किस्म की होती है। टू मेन काइंड्स ऑफ कॉमेडी इज, जो एक प्लॉट ड्रिवन होती है, सिचुएशन ड्रिवन, और एक होती है कैरेक्टर ड्रिवन। कपिल आपकी महारत ही कैरेक्टर ड्रिवन कॉमेडी में है। सिर्फ इस कैरेक्टर की वजह से आपने इस एक्ट में जो जान डाल दी, पहले बच्चे बनकर और फिर ये क्या बोलूँ, मर्द बोलूँ, औरत नुमा मर्द बोलूँ, अर्चना टाइप मर्द क्या बोलूँ। वंडरफुली परफॉर्म्ड। एंड अंकिता यू आर लर्निंग द स्पिरिट ऑफ कॉमेडी सर्कस, कि यहाँ पर अपनी जितनी उड़ाओगे उतने लोग आप पर तालियाँ बजाएंगे। सो हैट्स ऑफ टू योर स्पॉट एंड स्पिरिट। अभी मैं इस तरह की परफॉर्मेंस को एक अंदाज देना चाहूँगी कि ये कपिलिज्म है। दैट कपिलिज्म इज वॉट इज फैंटास्टिक इन दिस वंडरफुल। सुहेल आपको कपिलिज्म नजर आया या नहीं? कपिल मियां में जो इंटेलिजेंस है ना, मैं उसका बहुत कदर करता हूँ। बोथ ऑफ देम आर डूइंग अ फैबुलस जॉब एंड एज अ टीम आई थिंक दैट एक गिव एंड टेक होता है, और जितना आज तक मैंने कॉमेडी सर्कस में देखा है, आई थिंक द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गिव एंड टेक इज इन दिस टीम। फैबुलस। थैंक यू सर। चलिए तो इतने अच्छे कमेंट्स के बाद रिपोर्ट कार्ड में अच्छे अच्छे नंबर भी हो जाए। अर्चना कोई शक नहीं कि यही हो सकता है आज। जो सफर प्यार से कट जाए वो प्यारा है सफर, लेकिन जब बस की कंडक्टर हो विशाखा तो सफर में प्यार नहीं गालियों की भरमार होती है। देखिए बेचारा मंत्रा इस गुस्सेल कंडक्टर की बस में हिंदी वाला सफर करता है या फिर इंग्लिश वाला सफर। प्लीज वेलकम कपिल अंकिता की टीम से विशाखा एज लेडी कंडक्टर एंड मंत्रा एज पैसेंजर। नमस्ते अर्चना जी। नमस्ते। अरे आप तो बड़ी किस्मत वाली है। देखो ना, अब परमीत आपके बस में है, कॉमेडी सर्कस आपके बस में है, कपिल आपके बस में है, और अंकिता वो तो जिनके शो कर रही है उनके भी बस में नहीं है, और एक मैं हूँ कि मेरा पति मेरे बस में नहीं है। छोटी छोटी बात पर हमेशा लड़ता रहता है। अब उस दिन पड़ोसी के बच्चे आए थे, खेल रहे थे, तो मैंने इनकी माँ की टांग निकाल कर, लकड़ी की थी, बच्चों को खेलने के लिए दी। तो बेचारे बच्चे, देखो क्रिएटिविटी देखो अर्चना जी, वो लकड़ी की टांग से गिल्ली डंडा खेल रहे थे। तो मेरा पति भड़का, बच्चे बेचारे मासूम से रोने लगे, तो मैंने रोते हुए बच्चों को कंचा खेलने दिया। अब बताओ मुझे क्या मालूम कि वो कंचा नहीं बल्कि इसकी माँ की आँख थी। अरे सारे इसकी माँ की आँख नकली, टांग नकली, बाल नकली, अरे बल्कि उसका बाप भी नकली। इसीलिए मैंने वो घर छोड़ दिया और यहाँ आ गई। अब मैं खुद कमाऊंगी, खुद अपना घर चलाऊंगी। इसलिए नई गड्डी खरीदी है, सेकेंड हैंड है, लेकिन अच्छी है, अच्छी है। अब मैं उस बस का कंडक्टर, ड्राइवर सब मैं ही हूं। अब बस में अगर स्कूटर का इंजन लगा तो ऐसे ही होगा ना। अरे किधर? ए रोको, ए बस को रोको। अरे मैं रॉजर पटेल, रिटर्न ऑफ द अमेरिका। अरे रोको मोटी बहन, रोको।
ए गेड़ी, ए बेरी हो गई क्या तू? पीछे से इतनी जोर जोर से आवाज क्या मार रहा हूं मैं? पीछे से? हाँ? अरे भगवान ने तेरे को मुंह दिया है ना, तू मुंह से आवाज निकाल ले। ए टुनटुन की भतीजी, हाँ, तू क्या अपने आप को यहाँ पर टांगे वाली बसंती समझती है? हाय ला, उससे तो कम भी नहीं मैं। अच्छा, अगर ऐसी बसंती होती ना तो शोले में गब्बर कह रहे होते, माँ मैं सो जाऊं वरना बसंती आ जाएगी। पगली, पगलोट, गुस्सा मत दिला, नहीं यही तो यही उतार दूंगी। नहीं नहीं, ची 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 ची, कपड़े उतारने की बात करती, मुझे रात को बुरे सपने आएंगे। अबे अबे, तेरे को बस से उतार दूंगी, समझा क्या? अरे जा, बता जाना कहाँ है? मुझे अहमदाबाद जाना है, शादी के लिए लड़की देखने जा रहा हूँ। अच्छा शादी? हाँ। तो और एक लड़की की जिंदगी बर्बाद। तू कैसे बोल सकती है कि शादी के बाद लड़की की जिंदगी बर्बाद होती है? अरे यार, तो मेरी भी तो शादी हो गई है ना, जब से मेरी शादी हो गई है तब से मेरी लाइफ बर्बाद। ए सू, बात करी छे मोटी बहन, तेरी शादी हो गई? हाँ रे। अरे तेरी शादी हो गई, इस फिगर पे ये जिगर। चल तुझे अहमदाबाद जाना है ना, 500 रुपए निकाल। 500 रुपए? अरे जिस लड़की से मिलने जा रहा हूँ वो खुद 200 में आती है। क्या? अरे मेरे कहने का मतलब है अहमदाबाद से मुंबई 200 रुपए की टिकट करा के आती है, तुम भी नो। अरे वो तो पुरानी बात हो गई, अब पेट्रोल देखा कितना महंगा है, 70 रुपए लीटर है अर्चना जी। अरे उनको क्या बता रही, वो तो खुद डीजल पर चलती है। अरे डीजल इंजन देखा, पहले तेरे मेरे एक्ट के बाद माहीसूरी का एक्ट होगा, ये थोड़ा सा गर्म होंगी, थोड़ा थोड़ा हंसेंगी, जब तक इनकी हंसी स्पीड पकड़ेगी तब तक कपिल आ जाएगा और लोग कहते हैं कपिल का एक्ट अच्छा है। अच्छा चल सुन, एक 250 रुपए का सेकंड हैंड टिकट देने। अबे सेकंड हैंड टिकट तो भी मिलता है क्या? ये तो तेरी बस भी तो सेकंड हैंड है। अबे बस को तो कुछ बोल, क्या कर रहे हो? ए तेरे को मैंने बेवकूफ बनाया, मेरे को कोई अहमदाबाद नहीं जाना था, मुझे तो जहाँ जाना था मैं आ गया अर्चना बार में, अब तो हो रहा है बर्ड हक की टिकी। बनी यार बस कंडक्टर, पता है अर्चना जी क्यों बनी? वो क्या है ना, मेरे ससुर जी कहते थे बहू ऐसी हो जो हमेशा बस में रहे, तो बस हो गई मैं बस कंडक्टर। चलो छोड़ो, निकलते हैं अमेरिका। चलो चलो अमेरिका, अमेरिका किसी को आना है क्या? अमेरिका कोई पैसेंजर क्यों नहीं मिल रहा है मुझसे? अरे रोको, अरे बस को रोको। अरे बुड्ढे मरना है क्या? अरे ए, अभी हमारी ऐसी उम्र नहीं हुई है कि बसों के नीचे आके कुत्ते की मौत मर जाए। बच्चू कहती है तो तेरी आंखों से मर सकती हूँ जाने मन। जाने मन? ओए बुड्ढे तेरी उम्र देखिए क्या? अरे उम्र उम्र पे मत जा। अरे मोबाइल कितना भी पुराना क्यों ना हो, सिम कार्ड अच्छी हो तो कॉल लगी जाता है। अरे हाथ तो दो जरा, गाड़ी में तो बुलाओ। नहीं 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 नहीं, तेरे लिए इस गाड़ी में कोई जगह नहीं, चल हट। अरे कैसी बात कर रही हो, मरने के बाद आदमी अपने लिए 6 फुट की कब्र तक ढूंढ लेता है, अभी तो मैं जिंदा हूँ। अंदर बैठ के बातें करते रुक जा। नहीं रुक रुक, अबे अबे बुड्ढे वहाँ का बैठा, वो सीट महिलाओं के लिए। आए तो हम भी तो महिलाओं के लिए है। अबे बुड्ढे बोल, तुझे जाना कहाँ है? मुझे कोठा। कोठा? अच्छा, शमशान की उम्र में घमासान की तैयारी। अरे गंदी दिमाग गंदी सोच, हम बोल रहे हमें जाना है कोटा, वहाँ रहता हमारा पोता, समझ रही हो? अरे अरे बस इतनी हिल क्यों रही है? अरे ओ चाचा चाचा, वो बस है ना खराब हो गई है। अच्छा? वो ना धक्का के बिना शुरू नहीं होती। धक्के के बिना बस शुरू नहीं होती? अंकिता सुन रही हो, यहाँ तो बस भी धक्के से शुरू हो जा रही है, कुछ तो सीखो मोटर में। अरे तुम रुको, मैं तुम्हारी गाड़ियों को धक्का लगाता हूँ। ओए ओए ओए, 70 साल के कक्का चले लगाने धक्का। अरे अरे सुनो, अगर मेरी बात नहीं मानते तो इनसे पूछ लो,
साथ में एक ही अखाड़े में पहलवानी किया करते थे हम दोनों। मैं और अर्चना की बात सोहेल की बात नहीं कर रहा हूँ। पहले ये बता तुझे जाना कहाँ? कोटा। लेकिन मैं समझ गई तू है कौन। एक पप्पी बनती है। कौन सी पप्पी? चुम्मी दे लो। काय के लिए? हमें हमारे बाबा का एक वरदान चेक करना, उन्होंने बोला था चुम्मी करके मैं मम्मी बना सकता हूँ। बेसाले रुक, कोई जरूरत नहीं है। कौन है तू? मैं पहचान गई। अरे यही है मेरा पति। जी अर्चना जी, वो क्या है ना कि थोड़ा परेशान थी, मैं मनाने के लिए आया था, अब मान जाएगी तो बहुत अच्छा होगा। वो तो जब मानूंगी तब यहाँ से अच्छे नंबर मिले। माता के बारे में सुहेल। बॉस, अगर तू बड़े होके ऐसा ही ठरकी बुड्ढा बनेगा ना तो मैं तेरा दोस्त बनना चाहूंगा उस उम्र में। सुपर्ब यार, आई थिंक दैट यू गाइस एज अ टीम आर गोइंग टू गो अ लॉन्ग वे एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट मैन। थैंक यू। अर्चना, विशाखा, आपकी एनर्जी, आपकी टाइमिंग, आपकी प्रेजेंस ऑन स्टेज और बढ़ती जा रही है, बेहतर होती जा रही है। मंत्रा, आप और इनकी जो केमिस्ट्री है वो भी बहुत रंग ला रही है। थ्रू आउट द एक्ट देयर वाज अ गुदगुदापन इन द एक्ट एंड दैट वाज वेरी एंजॉयबल। तो सुहेल, कितने नंबर देंगे आप इन्हें? 8 points, well done. अर्चना जी, डीजल या पेट्रोल? आजकल मेरे और सुहेल के ख्यालात मिलने लगे। 8 points. सुहेल, आपको पता है कि अब तक सलमान शादी क्यों नहीं कर रहे हैं? भाई, क्योंकि वो जानते हैं कि आदमी चाहे परमीत के जैसे बदमाश कंपनी चलाता हो, सुपरमैन की तरह बदमाशों से तरकता हो, शादी के बाद सबकी हालत सुरिंदर के तबले जैसी हो जाती है। और इसी बात को प्रूव करने आ रहे हैं हमारी लीडर जोड़ी के सिद्धार्थ एज सुपरमैन एंड भारती एज हिज इंस्पेक्टर वाइफ। प्लीज वेलकम देम। सुपरमैन। अरे भैया कैसे हो? अर्चना जी मेरा भाई है। पहले ये सुपरमैन बनने वाला था, बाद में इसने मना कर दिया, बोला मैं अंदर कच्छा नहीं पहनता तो बाहर कैसे पहनूंगा। लेकिन मैं हूँ सुपरमैन, यारों का यार, दुश्मनों का दुश्मन, मैं सबको मारता हूँ। ए नल्ले, पहले झाड़ू मार। हाँ झाड़ू भी मारता हूँ। क्या सोहेल जी, सुपरमैन हूँ लेकिन हैरी पॉटर बना दिया मेरे को। आदमी बाहर सुपरमैन होए, घर में तो ऐसा ही होता है। और शादीशुदा आदमी को भी यही हालत होती है। आप भी शादीशुदा हैं, लेकिन आप बहुत खुश नसीब है। मेरे बहुत प्रॉब्लम चल रहे हैं, मेरी बीवी मेरे को बहुत टॉर्चर करती है, क्या बताऊँ मैं आपको। माहेश्वरी के एक्ट बैक टू बैक दिखाती है, और ऐसे इनके एक्ट होते एक सोनी चैनल पे चलते, उधर डिस्कवरी वाले गेंडे भड़क जाते। ए कुंडिया, बकवास नक्को काम कर। अर्चना जी, ये मेरी बीवी है, मैंने पुलिस वाली के साथ शादी की ना, सुहाग रात के दिन ही मेरी सारी ताकत चली गई। सच्ची अर्चना जी, सारी। फिर मैं सुबह उठ के बोला, बहन जी सारी। देखो कितना कमजोर हो गया हूँ मैं उड़ भी नहीं सकता। एक सुपरमैन जो सुपर हीरो है वो उड़ नहीं सकता, और अंकिता लोखंडे को देखो, बिना बात के उड़ती है। परसों तो मैंने ट्राई भी किया था छत पे उड़ने के लिए, लेकिन पतंग के मांझे में ऐसा फंस गया, ऐसा फंस गया, क्या क्या कटा है आपको नहीं बोल सकता। अरे एक्ट शुरू होने से पहले मेरी एडिटिंग हो गई। ए बकवास बंद कर। पत्ता माजी सटकली। साला कबूतर बनकर
अंदर ऐसे बैठा है कि जैसे इसे कोई देखेगा नहीं अंडे दे रहा है सिंगम अरे मैं सुपरमैन हूँ नल्ले इधर आ इधर आ हैं साला सुपरमैन सुहागरात के दिन भी बेड पे नहीं आया ऊपर ही ऊपर उड़ता रहा अरे तू सुपरमैन है कि ऊपरमैन है माझा बब्बू हलकर ये चादर मैंने बेड पे बिछाई थी ना तो कुतरिया पीछे क्यों बांधी है पीछे क्यों बांधी आज फिर से चड्डी ऊपर पहन ली फिर से ऊपर पहन ली अरे मेरी किधर फटी है जो मैं अंदर पहनूंगा लेकिन मेरी बहन मेरे को क्यों उतना तकलीफ देती है तू साले हलकट शर्म नहीं आती बीवी को बहन बोलता है अभी सारी ताकत खत्म हो गई अभी डार्लिंग बोल के क्या उखाड़ लूंगा मैं वैसे तेरी शादी किसी सुपर हीरो के साथ होने वाली थी जैसा तेरा साइज है ना तेरे को सुपरमैन ही बनता है सोहेल भाई कॉमन मैन का काम नहीं है ये क्या बोला मैं नहीं नहीं मेरे किस्से सुनाएगा नहीं वो तेरा किस्सा सुनाऊं नो नो सोहेल जी ऐसा नहीं था पहले ये अरे हट्टा कट्टा था ऐसे बॉडी थी आपकी तरह दिखता था बस ये हैंडसम नहीं था अरे जब से इसके साथ शादी की है किस्मत फूट गई मेरी तो मैं कौन सा खुश हूं तेरे से शादी करके इससे अच्छा तो मेरी शादी रोशनी से हुई होती सोचो हम दोनों रोशनी और मैं ऐसे उड़ते रहते और नीचे लोग हमें देखते अच्छा जैसे ये कपड़े पहनती है ना लोग सिर्फ ऊपर ही देखते हैं उसकी बेइज्जती नहीं करने का मुझसे बहुत प्यार करती हो मालूम है बात बात में पप्पी मांगते मुझसे अरे नल्ले ध्यान से देख वो पप्पी नहीं मांगती उसके लिप्स ही ऐसे हैं बत्तक जैसे बत्तक हाँ रोशनी व्हाट द डक इज दिस बड़ा हीरो बन रहा है तेरी करतूत बताओ क्या सोहेल जी जब हमारी शादी हुई ना मैं सुहागरात के लिए कमरे में आई तो अपनी चादर से घूंघट निकाल के बैठा था अरे उल्टा मुझे 250 रुपए मुंह दिखाई देनी पड़ी लेकिन जब ऐसा मुंह देखा ना तो 500 रुपए दिए मैंने उल्टा मुंह छिपाने के लिए नल्ले तू ये कच्चा यहाँ नहीं मुंह पे डाला कर मैं मेरा कच्चा मुंह पे नहीं डाल सकता क्यों वो मेरी पैंट गलत जगह फटी है चल निकल यहाँ से नल्ला पति है सुहेल जी तरस आता है अब तो इसको देख के तरस आता है ऐसा नहीं था मुझे आज भी याद है वो पहला दिन जब मैं अपने सुपर हीरो से मिली थी क्या दिन था वो अरे जिंदगी से परेशान हो गई थी मैं मरने के लिए पटड़ी पर चल पड़ी थी नहीं जीना मुझे नहीं मत रोको मुझे हट जाओ लड़की ट्रेन आ रही है हो जाएगा तुम मेरी जान की परवाह मत करो अरे तेरे जान की कौन परवाह कर रहा है वो तो 250 पैसेंजर है उनकी जान की परवाह कर रहा हूँ मैं हट जाओ नहीं जीना चाहती मैं अरे इस आजाद हिंदुस्तान में इस कमसीन कली को आज तक किसी ने फूल नहीं पिलाया खिला के 18 साल हो गए हैं चोली तंग हो गई है लेकिन आज तक किसी लड़के ने तंग नहीं किया उनकी शामत आई तेरे को छेड़ने के लिए अरे तू बाहर जा उधर छेड़ेंगे तेरे को नहीं मैंने फैसला किया है क्या जब तक कोई लड़का मुझसे शादी का वादा नहीं करेगा मैं इस पटरी से हटूंगी नहीं शादी हाँ मैं Yes! मैं तेरा भाई तेरे लिए वर ढूंढूंगा अरे नल्ले तू शादी का वादा कर मुझसे मैं करता क्या ट्रेन उड़ाऊ नहीं 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 मैं तेरे से शादी करता हूँ मुझे ले चलो यार। चल चल चल, चल क्या हुआ भाई मेरा पैर फंस गया पैर फंस गया मम्मी ट्रेन आ रही है अरे ट्रेन आ रही है मुझे बचाओ बचाता हूँ मैं हूँ सुपरमैन मैं तुम्हें पटरी उठा के बचाऊंगा एक दो तीन जय महाराष्ट्र
हम एक पटरी से दूसरी पटरी पे आ गए। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, प्लेटफॉर्म नंबर एक पर आने वाली साबरमती एक्सप्रेस अब प्लेटफॉर्म नंबर दो पर आएगी। क्या? अरे मुझे बचाओ, ट्रेन आ रही है। मुझे लगता है घर से निकलते हुए साबरमती ने तय किया है कि तुरे को उड़ाएगी जो। अरे प्लीज सुप्पू आगे आओ ना जरा। सुप्पू प्लीज तुम ट्रेन के साथ साथ क्यों नहीं भागते? अरे भागा था एक दिन, मैं ट्रेन के साथ साथ भागा था, फिर किसी राज ने मुझे सिमरन पकड़ के अंदर ले लिया, उसके बाद जो हुआ है। अरे पागल, तुम्हें चेन खींचनी चाहिए थी। कैसे खींचू, राज ने लुंगी पहनी थी। फिर जो छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी बातें हुई है ना, राज बोला मुझे, तूने मुझे नाराज नहीं किया, अपने सारे जौहर दिखा दिए। जौहर वोहर बंद कर, एक मिनट, मुझे बचा। चलो चलो बाजू है या। ऐसे हुई थी मेरे पहले हीरो से मेरी मुलाकात। लेकिन अर्चना जी, अगर मैंने टीवी पे बता दिया ना कि आपकी और मेरी मुलाकात कैसे हुई थी, तो आप अगले एपिसोड में बैठ नहीं पाओगी। मुझे आज भी याद है वो बरसात की रात, भीगा हुआ अर्चना धीरे से मेरे पास आया। Oh my God, I don't believe this. मेरे होंठ ऐसे कांप रहे थे। Oh, shucks. तड़कती बिजली, भड़कती सांसें, अर्चना धीरे से मेरे पास आया, मेरी कमर में हाथ डाला और मेरा पर्स चुरा के ले गई। सच्ची बोल रही हूँ, तब से ढूंढ रही हूँ अर्चना को, यहाँ जाके मिली है। अर्चना, या तो मेरा पर्स वापस कर दो या फिर अच्छे नंबर दे दो। चलिए मैं तो इनसे बाद में निपट लूंगी। सुहेल, आप बताइए आपको इनका एक्ट कैसे लगा? Fabulously written act and fabulously done act. वाह, आप में एक कमाल का टैलेंट है। आप विथ योर फेशियल एक्सप्रेशंस, आप अपने बॉडी लैंग्वेज को भी बहुत यूज करते हो। थैंक यू। विच इज जैसे कि अगर आप कोई भी पुरानी फिल्म देखोगे, यू नो, फ्रॉम चार्ली चैपलिन टू लॉरेन हार्डी, यू नो, दे शुड बी स्लैपस्टिक कॉमेडियंस। आई मीन, दे शुड यूज अ बॉडी लैंग्वेज, एंड आई थिंक दैट दैट इज समथिंग दैट एज अ टीम यू गाइस डू इट फैंटास्टिकली वेल। थैंक यू सर, थैंक यू। अर्चना, आपको कैसे लगा इनका एक्ट? बरसों से कॉमेडी सर्कस चला आ रहा है, ये मंच बहुत कम लोगों को अपनाता है, बहुत कठिन और कठोर और मुश्किल यहाँ पर खड़ा होना है। इस मंच ने आपको अपनाया है, उससे ज़्यादा आपने इस मंच को अपना लिया। सिद्धार्थ, यू ओन द स्टेज व्हेन यू आर। अरसे बाद भारती को ऐसा टक्कर वाला और वजनदार पार्टनर मिला है। चलिए तो अर्चना, नंबर अच्छे अच्छे दे दीजिए। 9 points, well done. भारती, मेरी नकल करने का हक सिर्फ आपको है, तो थोड़ा पाउट वाउट करके पूछ लीजिए सोहेल से कितने नंबर देंगे आप इन्हें। जी ना सोहेल जी, जी ना सोहेल जी। 9 points, well done. चिंगारी कोई भड़के तो सावन उसे बुझाए, पर शादी की अगर लगी हो तो उसे कौन बुझाए? माही की शादी में लग गई है आग, दूल्हा गया है भाग, पर एक वेटर आ गया है उसके हाथ, जो समझता नहीं लड़कियों के जज्बात। प्लीज वेलकम भारती सिद्धार्थ की टीम से माही एज दुल्हन एंड सूरी एज वेरियस कैरेक्टर्स। So, मुझे देखकर मुंह में पानी आ गया ना। अर्चना के अच्छा। सोच रही है कि मैं भी काश इतनी सुंदर लग सकती थी अगर अपनी शादी में दुल्हन बनती तो। बरातियों की तरह खाना खा रही थी स्टॉलों में। सुरेंद्र, मैं तुम्हें पता कितना मिस करूंगी। याद है तुमने मेरे
ब्लाउज में हुक लगाया था और मैंने बोला था मेरा ब्लाउज उतारो, मेरा ब्लाउज उतारो। और ये है कि ब्लाउज पहन के शीशे के सामने बस अपनी बैक को निहारा था, बोलने लगा कि मैं कोई अनिल कपूर से कम हूँ क्या? वैसे मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली, मेरा दूल्हा और बाराती चले गए हैं और अब मेरी इज्जत का सवाल है। जो भी मेरी नजरों के सामने आएगा मैं उसी से शादी कर लूंगी। अर्चना प्लीज, मेरी नजरों के सामने से हट जाओ, मैं जानती हूँ तुम दूल्हा बनने के लिए बेकरारों पर नहीं। Hello, so strong, so I'm gay. Don't laugh. Ganesh Ajay Yadav, gay. Actually, Archana, मैं ना यहाँ पे chef हूँ. मैं यहाँ पे ना सबको खाना serve करता हूँ. खाना serve करती हो? तो थोड़ा अपने लिए भी रख लेते. 15 साल से एक ही रोटी खा रहे हो, खत्म ही नहीं होती. मैं सोच रही हूँ इसी से शादी की बात कर लेती हूँ। आप 10 मिनट फ्री हैं क्या? हाँ फ्री हूँ। कहाँ है तुम्हारा भाई? भाई आप मुझसे शादी कर लो ना, पता है मेरा बचपन से सपना था कि मैं लाल चोली पहनूं, लाल लहंगा पहनूं, लाल चूड़ियाँ पहनूं और रेड रोजेस में मेरी सुहागरात हो। मेरा भी तो सेम ही सपना है कि मेरी भी शादी हो, मैं लाल कलर का लहंगा पहनूं। और चोली? अरे पागल, लहंगा यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँच जाएगा, चोली की क्या जरूरत है? और तो और मेरा सपना है कि मेरा गे ज्यादा घोड़े पे आए, ठिचू ठिचू, और मेरी दोस्ती घोड़े से करवा के चला जाए। ओ एक्साइटिंग ना। तुम्हारा धूला घोड़े पे? हाँ तो सभी के दूल्हे घोड़े पे आते हैं, सिर्फ अर्चना को छोड़ के ये हाथी पे आया था। अच्छा सुनो ना, तुम टाइम वेस्ट मत करो, बस मुझसे शादी कर लो ना, फिर हमारे बच्चे होंगे। मैं ऐसा नहीं हूँ, ऐसा हूँ। Oh my God. सीधे सीधे क्यों नहीं बोलता कि तू उस टाइप का है जिसको पुलिस पकड़ ले तो बोलता है सरेंडर कर दूंगा, पर सिर्फ पीछे से पकड़ना। चलो अगर पता चल गया तो क्यों करना चाहती हो मेरे से शादी? प्लीज मुझसे शादी करना ना, वरना मेरे प्राण निकल जाएंगे। प्राण निकल जाए तो ठीक है, मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ, पर मेरी एक शर्त है। देखो ना, हम फेरे आग के सामने नहीं लेंगे। अब क्यों? तुम्हें पता नहीं है आग के सामने गुड़ पिघल जाता है। चल भाग यहाँ से, जो इतनी सी आग के सामने पिघल जाए वो इस आग को क्या संभालेगा। वैसे सोहेल, मैं जहाँ पर भी टच कर दूँ वहाँ आग लग जाती है। ये लो
कंबल। पर मैं ये अकेले कंबल में क्या करूंगी, मैं आज तक कंबल में अकेली नहीं रही। अच्छा हाथ पकड़ो, मेरा हाथ पकड़ो। कहाँ गई? अरे ये क्या, मेरे को आग में फंसा कर खुद निकल गई। ये तो हमारी चाल थी, तो जैसे नए टैलेंट को पूरी दुनिया के सामने जलाने की। तेरे पंचेस तो मुझे कभी समझ नहीं आए, 3 हफ्ते में 1 पंच ढंग का नहीं मार पाया। यहाँ नहीं जला तो मैं तुझे सेट के बाहर ले जाके मारूंगी। बचा लो मेरे को, कोई बचा लो। सोहिल भाई आप भी बचा लो मेरे को, पता है आप तीनों भाई नए लोगों का बड़ा साथ देते हो ना, बचाओगे ना मेरे को? अभी ठोको ताली, देख क्या रहे हो? माही इतना चिल्ला रही थी, आप आए नहीं? You know, मैं इतना enjoy कर रहा था, because I could see Mahi's expression. इसको बोलते हैं being a fabulous actor, being a spontaneous actor. The way she was handling the stage alone, she was fantastic, Mahi, today. Thank you, sir. You have done it fantastically. Archana? सूरी के बारे में मैं कहना चाहूंगी कि I am seeing a tremendous growth in you, सूरी. माही आप भी आज खिल कर और खुल कर आपने काम किया है, और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ, और एक ऐसा भी जज्बा मुझे नजर आया कि मरता क्या नहीं करता, आप तो देखी जाएगी। एक्ट थोड़ा 19-20 था, इसलिए आप दोनों की परफॉर्मेंसेज ने उस पर जान डालने की कोशिश करने के बावजूद वो उतना ऊंचा नहीं उठा, लेकिन आई हैव नो कंप्लेंट्स फ्रॉम द केमिस्ट्री दैट यू बोथ शोड एंड द फायर दैट यू बोथ एग्जिबिटेड ऑन स्टेज टुडे। थैंक यू मैम। ओके सुहेल, इनकी तड़कती भड़कती केमिस्ट्री के लिए कितने नंबर देंगे आप इन्हें? सीरियसली आई थिंक यू गाइस डिजर्व दिस। वाओ 10 पॉइंट्स। देखते हैं कि अर्चना कितने नंबर देती हैं आपको। 8 पॉइंट्स, वेल डन। हंसी की यूनिफॉर्म तो आज आपने पहन ली, अब इस यूनिफॉर्म को संभाल के रखना, क्योंकि कॉमेडी के इस सबसे बड़े स्कूल में अब आपकी क्लास लगेगी हफ्ते में 2 बार। 3 सितंबर से हम आ रहे हैं आपको हंसाने, हर शनिवार और रविवार रात 9 बजे। तो हंसी के इस दुगने तूफान के लिए रहिए तैयार, ओनली ऑन अंबुजा सीमेंट प्रेजेंट्स कॉमेडी सर्कस का नया दौर। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।